ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशि का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र शास्त्री आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल 1 अप्रैल 2019 सोमवार का दिन है और इस दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की उदिया तिथि में एकादशी है, उसके बाद द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चूंकि वैष्णव एकादशी को मान्यता प्रदान करते हैं इसलिए उदिया तिथि इसी दिन रहेगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र और कुंभ राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। इस दिन पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूजन और दान पुण्य करने से अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होगी। क्योंकि इस दिन पाप मोचनी एकादशी है, यदि आप पाप मोचनी एकादशी की कथा सुनना चाहते हैं या फिर विधि विधान जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को आप जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। दिशाशूल की यदि हम बात करें तो पूर्व दिशा में रहेंगे, इसलिए पूर्व दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश पूर्व दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो दर्पण देख करके यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। राहु काल जो कि सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव मीन राशि में, चंद्रमा कुंभ राशि में, मंगल वृषभ राशि में, बुध कुंभ राशि में, गुरु धनु राशि, शुक्र कुंभ राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धन रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष, कर्क, सिंह, धनु और कुंभ ये 5 लकी राशियां रहेगी। इनको सबसे ज्यादा और 2 गुना फायदा होने का योग बन रहा है। तो मित्रों हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। दोस्तों और प्रेमी या फिर परिवार के साथ में संबंधों में यदि आपको खराबी चल रही है तो उसमें सुधार होगा। आज जो भी होगा आपके लिए अच्छा होगा। पैसों से जुड़े टारगेट पूरे करने के लिए अच्छा समय है। आप लंबे समय के लिए निवेश भी कर सकते हैं या उसकी योजना भी बना सकते हैं। आप मन लगा करके काम करेंगे तो आने वाले दिनों में आपकी अच्छी स्थिति हो जाएगी और सुधार भी होगा। दूसरों की जरूरतें आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। भाइयों की मदद से आपका समय व्यतीत होगा। विवादों में आपको सफलता प्राप्त होगी और उपाय के रूप में गाय को गुड़ खिलाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। खुद पर भरोसा करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी और भाग्य का मिला जुला असर आपके ऊपर रहेगा। किसी सामूहिक गतिविधि में आप आगे रहेंगे। दोस्तों रिश्तेदारों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। परिवार से जुड़ी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। अन्य लोगों के साथ आत्मविश्वास से पेश आएंगे। दूसरों की मदद करने के लिए आप हर संभव कोशिश भी करेंगे। ऐसे लोगों से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करें जो आपके लिए महत्वपूर्ण है और उपाय के रूप में किसी भी फल का जूस पीना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। कुछ व्यावहारिक मामलों से निपटने में आप सफल हो जाएंगे। रचनात्मक कोशिशों के लिए दिन अच्छा है। अपनी भावनाएं किसी भी ढंग से जाहिर करने में बहुत हद तक आपको सफलता प्राप्त होगी। पुरानी समस्याएं समाप्त हो जाएगी। समय आपके लिए ठीक रहेगा। आने वाले 1-2 दिनों में यात्रा भी हो सकती है। करियर या परिवार के मामलों में कोई बड़ा फैसला भी आप ले सकते हैं जो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। पैसों के मामलों में सिर्फ वही कहें जो आपका मन कहता है। सेहत पहले से ठीक रहेगी और उपाय के रूप में हरे रंग का धनिया यदि आप खाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। पैसों के लिहाज से अच्छा समय है। अचानक धन लाभ होगा। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ विचार विमर्श भी होगा। दिन अच्छा रहेगा। आपको मदद मिलेगी और काम समय पर पूरे हो जाएंगे। समय भी आराम से व्यतीत होगा। संतान से सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलने का योग है। आत्मविश्वास आपका बढ़ने वाला है। व्यापारियों के लिए दिन हालांकि सामान्य व्यतीत होगा और उपाय के रूप में सफेद चंदन यदि आप भगवान शंकर जी को चढ़ाएंगे तो आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। आपका अधिकार बढ़ सकता है। दोस्तों और भाइयों की मदद से धन लाभ होगा। किसी बड़े काम को पूरा करने की जिम्मेदारी आपको प्राप्त होगी। ऑफिस में आपके उच्चाधिकारियों के साथ आपको काम करना पड़ेगा और उनका विश्वास भी आप जीत लेंगे। आपके लिए कुछ लोग कुछ भी कहते हैं लेकिन आप सही रास्ते पर ईमानदारी से और मजबूती से आगे बढ़ेंगे। आपको सफलता भी मिलेगी।
जो भी नए मौके मिलते हैं उनका फायदा उठाने के लिए तैयार रहे। आमतौर पर लोग आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे भी। समय बिताने का कोई नया तरीका आपके दिमाग में आएगा, धन लाभ होगा, पुराना रुका हुआ पैसा आपको मिल जाएगा। सेहत पर आपको ध्यान देना चाहिए। कोई नया काम करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह अवश्य करें। और उपाय के रूप में यदि आप शंकर जी के मंदिर में कच्चा दूध चढ़ाएंगे तो आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। जरूरी काम आपके निपट जाएंगे, सोचे हुए काम बहुत आसानी से पूरे हो जाएंगे। परिस्थितियों और महत्वाकांक्षाओं के साथ तालमेल आपका बैठ जाएगा। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हुई रहेगी। करियर से जुड़ी नई प्लानिंग आपकी हो सकती है। लोग आपका साथ देंगे। पैसों के मामलों में कुछ फैसलों पर मन मार करके राजी आपको होना पड़ेगा। आगे चलकर वही आपके पक्ष में रहेगा। आप सभी कार्यों में सक्रिय रहेंगे। समाज में आपकी अच्छी इमेज बनेगी। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। कोई मांगलिक काम भी पूरा होगा। बिजनेस में फायदा होगा। आपकी सेहत अच्छी रहेगी। पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा। सही दिशा में सही फैसले करने के लिए आप अग्रणी रहेंगे और सभी कार्य अच्छी प्रकार से निपट भी जाएंगे। उपाय के रूप में यदि आप चावल और शक्कर खाएंगे तो दिन आपका अतिशुभ फलदायी सिद्ध होगा। चावल शक्कर यदि आप नहीं खा पाते हैं तो इनका दान करना भी आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। अपने निजी लक्ष्यों पर ध्यान दें और पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। नए लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी। आपकी अच्छी इमेज बन सकती है। नए पुराने और महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होने का अच्छा योग बनेगा जो आने वाले दिनों में आपके लिए कारगर साबित होगा। थोड़ा पैसा भविष्य के लिए बचाने की बात मन में आ सकती है और यह ठीक भी रहेगा। संबंधों के किसी एक मामले पर आपको काफी ध्यान देना होगा। नए दोस्तों से आपकी मुलाकात होगी। विद्यार्थियों को अधिक मेहनत से सफलता प्राप्त होगी। आत्मविश्वास रखें, धन लाभ होगा। आपके जरूरी काम जो हमेशा एक ही ढंग से होते आए हैं उनमें कुछ नया होने का योग बन रहा है। और उपाय के रूप में शंकर जी के मंदिर में कच्चा दूध और गंगा जल और बिलपत्र चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। जिस काम से आपको उम्मीदें थी उसका नतीजा आपके पक्ष में रहेगा। आज की गई कोशिशों का नतीजा आपके फेवर में होगा। कोई संवेदनशील जानकारी आपको मिल सकती है। आमतौर पर आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा रहेगा। कुछ समस्याओं का समाधान अचानक मिलेगा और परिस्थितियां आपके अनुरूप रहेगी। आज आप उन मामलों पर ध्यान दें जिनसे आपको प्रसन्नता मिलती हो। बिजनेस में फायदा होगा। संतान पर पूरा ध्यान आपको देना चाहिए। सेहत के मामलों में दिन ठीक ठाक रहेगा। और उपाय के रूप में लाल रंग का फल खाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। सिर्फ एकाग्रता के दम पर आज आप अपने बहुत कुछ काम पूरे कर पाएंगे। लगातार यही ध्यान रखें कि आपका लक्ष्य क्या है और उसे कैसे पूरा किया जाए। ऑफिस से कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। बातचीत, यात्रा और शिक्षा के मामले में आप खास रहेंगे। किसी करीबी व्यक्ति के साथ रिश्तों में सुधार आएगा। भविष्य को लेकर जो आशंका है उन पर दोस्तों से चर्चा करें। कोई समाधान आपको मिल जाएगा। दोस्तों और परिवार का सपोर्ट आपको मिलेगा। कार्यक्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होगी। और उपाय के रूप में बेसन की मिठाई का यदि आप गरीबों को दान करते हैं तो आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। आपको भविष्य में फायदा होगा। ऑफिस में अतिरिक्त वेतन या अतिरिक्त काम आपको मिलने वाला है। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ने वाली है। कुछ लोगों का ध्यान आपके ऊपर रहेगा। रचनात्मक कामों में नए विचारों के लिहाज से समय बहुत अच्छा है। किसी अनजाने व्यक्ति से आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा। पैसों से जुड़ा आपने जो फैसला लिया था वह आपके लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध होगा। उसके सुखद परिणाम भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कोई भी फैसला सोच समझ कर करें। कोई बड़ा फैसला भी आपको लेना पड़ सकता है। और उपाय के रूप में घर के मंदिर में शुद्ध घी का दीपक, उसमें हल्दी डालकर के यदि आप जलाएंगे तो आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। इस बार आपको जो अवसर मिले उसके लिए खुद को तैयार रखें। आपकी महत्वाकांक्षाएं चरम पर रहेगी। सफलता के लिए आप पूरी कोशिश भी करेंगे। मनोरंजन का कोई कार्यक्रम आप बन सकता है। जो भी बात कोई और नहीं समझ सकेगा आप उससे समझ पाएंगे। इस कारण कई लोगों के साथ साथ अधिकारियों का ध्यान भी आपके ऊपर रहेगा। लोग आपसे किसी न किसी तरह की सलाह लेते रहेंगे और उम्मीदें भी रखेंगे। आपका दिमाग तेज चलेगा। सलाह देने में संकोच न करें। संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। कोई बड़ा काम भी आपको पूरा करना होगा। सेहत अच्छी रहेगी। और उपाय के रूप में यदि आप दूध से बनी कोई भी मिठाई खाते हैं तो आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की।
कार्यक्षेत्र से अच्छी खबर आपको मिल सकती है। पैसों के मामले सुलझाने में कई लोग आपकी मदद भी करेंगे। उधार पैसों के लेन देन में आपको परेशानी नहीं आएगी। जो बात बिगड़ जाएगी पार्टनर उसे संभाल लेगा। आपके सामने कामकाज कुछ ज्यादा रहेगा, आप व्यस्त रहेंगे और अपने काम समय पर पूरे भी कर लेंगे। इससे किसी को कोई दोष नहीं होगा और थोड़े समय में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। पार्टनर का सपोर्ट आपको मिलेगा। धैर्य और संयम से काम करें। और उपाय के रूप में यदि आप हरे रंग की चूड़ियों का दान किसी भी गरीब या जरूरतमंद महिला को करेंगे तो आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।